हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, इस वर्ल्ड को सरवाइव करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि ये था एक 16x16 का वर्ल्ड बॉर्डर जो हर दिन कुछ ब्लॉक से बढ़ने वाला था। और इसी वर्ल्ड के अंदर रहते हुए मुझे सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है, अपने आप को बनाना है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताकि मैं डिफीट कर सकूं इस एंडर ड्रैगन को और बना सकूं मैं अपने लिए एक बहुत प्यारा सा बेस। और ये सारी चीज मुझे करनी है हार्डकोर मोड में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कौन होते हैं? सबसे पहले मैंने घिसा पिटा काम चालू किया यहाँ पे, अपने पेड़ को तोड़ के मैंने कुछ यहाँ पे बेसिक से टूल्स बना लिए। एंड उसके बाद खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए मैंने थोड़ा सा अपने बेस के घास फूस को तोड़ा था कि मुझे कुछ सीड्स मिले जिसे मैं प्लांट कर सकूँ। बट मेरी किस्मत के अनुसार सिर्फ मुझे यहाँ पर बस एक ही सीड मिला जो कि ना तो मेरे लिए काफ़ी था ना मेरे साथ में जो दो मुर्गियाँ उनके लिए। एंड उसके बाद मैं चला गया माइनिंग करने के लिए ताकि मैं थोड़े से स्टोन टूल्स वगैरह बना सकूँ। तो मैं यहाँ पे स्टोन माइन कर रहा था तभी मेरे को हमने यहाँ पे एक छोटी सी केव मिली जहाँ पे क्रीपर भाई साहब थे। तो फटाफट से मैंने उसको रास्ते को यहाँ से ब्लॉक किया। एंड उसके बाद ऊपर आके सबसे पहले मैंने अपने जितने भी स्टोन के टूल थे सारे स्टोन के टूल्स बना लिए ताकि मैं थोड़ा सेफ फील करूँ। एंड नीचे आके जैसे तैसे भाई साहब मैंने इस डॉम्बी और इस क्रीपर को ऊपर पहुँचाया और नीचे जाके इनके सामान को कलेक्ट किया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी तो फिर मैंने इस दीवार को तोड़ के यहाँ पे देखा तो यहाँ पे और दो डॉम्बी पड़े हुए थे। तो दोनों को मैंने यहाँ पे मारा। इनको मारने और मुझे यहाँ पे थोड़े से रोटन फ्लेश मिल गए जिससे मेरी भूख मिट सकती थी क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। फिर मैंने माइनिंग ट्रिक को अपने थोड़े से कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे अभी बनाना था अपने लिए सबसे पहले सील्ड और उसके लिए मुझे चाहिए था एक आयरन। तो फिर मैंने माइनिंग को और थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया। एंड थोड़ा आगे माइनिंग करने के बाद मैं पहुंच गया था एक लस केव में जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी लस केव थी। तो यहाँ से मैंने कुछ ग्लोबेरीज तोड़ लिए जिससे थोड़ी सी मेरी भूख मिट जाएगी और यहाँ के सारे ग्रास को तोड़ के मैंने थोड़े से सीड्स जमा किए। एंड यहाँ पे जितने भी आयरन थे सारे आयरन को मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैं सरफेस पे आ गया और सरफेस पे आते ही मैंने एक फर्नेस बना के अपने सारे आयरन को उसमें स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। तभी यहाँ पे एक क्रीपर भाई साहब आके फट गए। तब मुझे पता चला कि इस जगह पे मुझे बिना टॉर्च के नहीं रहना चाहिए। पर तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ टॉर्चेस बनाए अपने बेस की चारों तरफ लगाए। बट उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये भूख। उसके बाद मैंने अपने बेस को क्लियर किया और रोटन फ्लेश खा के मैंने अपनी थोड़ी सी भूख मिटाई। एंड जितने मेरे पास सीड्स पड़े थे सारी सीड्स से मैंने अपने मुर्गियों को ब्रीड कराया। एंड पहले दो शील्ड बना ली एंड एक चेस्ट प्लेट बनाकर मैं चला गया नीचे माइनिंग में। पर यहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने नीचे भी टॉर्च नहीं लगाया था तो यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे थे। मैंने यहाँ पे स्केलेटन को मारा एंड नीचे जाने के बाद मुझे एक और स्केलेटन मिला। एंड वहाँ पे उसके बाद मुझे मिला यहाँ पे मेरा पुराना दोस्त मुकेश। तो इस सिचुएशन में मैंने वही किया जो यहाँ पे कोई भी आदमी अगर मेरी जगह पे होता तो वो यही करता। तो सबसे पहले मैंने बनाई, मैंने मार दिया उसको। इधर खाने को रोटी नहीं और इनको नाश्ते में गुलाब जामुन चाहिए। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? फिर स्केलेटन भाई को जोम्बी ने मार दिया, फिर जोम्बी को मैंने मार दिया एंड क्रीपर भाई तो अपने आप में ही फट गया यार। एंड नेक्स्ट डे सरफेस वाले को मैंने यहाँ पे पेड़ काटे एंड उनके गिरे हुए सेव को कलेक्ट किया क्योंकि खाने के लिए बस यही था मेरे पास अभी। एंड कुछ टॉर्चेस बना के एंड फिर से मैं चला गया उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड इस बार मुझे एक्सप्लोर करते करते सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिली, वो थी पानी। और नीचे जाके सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉर्चेस लगाए और यहाँ पे जितने भी आयरन मुझे दिखे थे उन सभी आयरन को मैंने यहाँ से कलेक्ट किया। एंड फिर मेरी मुलाकात हुई यमराज जी से। जैसे तैसे हाफ हार्ट पे बचाऊ, नीचे स्केलेटन था मुझे पता ही नहीं चला, मैंने हेडफोन नहीं लगाए थे उसके लिए। सरफेस पे आके मैंने अपने आयरन स्मेल्ट किए और पेड़ों से गिरे हुए सारे सेफ कलेक्ट किए और अपने मुर्गियों के रहने के लिए एक नई सी जगह बनाई और उन्हें लाके वहाँ पे शिफ्ट किया। और पके हुए आयरन से मैंने बनाया दो बाल्टी और एक शवल। और नीचे जाके मैंने माइन से अपने पानी को वाटर को कलेक्ट किया और नीचे मैंने जब देखा था यहाँ पे बहुत सारे एक्सेलोटल थे तो मैंने यहाँ से दो एक्सेलोटल को कैप्चर कर लिया। और सरफेस आने से पहले मैं फिर से चला गया यमराज भाई से मीटिंग करने के लिए क्योंकि यहाँ पे स्केलेटन ने तो भाई सच में मेरे को ना यमराज तक पहुँचा ही दिया था। एंड उसे मारने के बाद जब मैं नीचे उतरा तो मेरा एक सरप्राइज इंतजार कर रहा था। और अगर भाई साहब इस ज़ॉम्बी विलेज ने मुझे अगर टच भी कर दिया होता ना तो एक मिनट में मैं सीधा वहाँ पे यमराज जी के पास पहुँच गया होता। सरफेस पे आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया अपने लिए अनलिमिटेड वाटर ऑफ सोर्स एंड उसी के चारों तरफ मैंने अपनी फार्मिंग का भी काम चालू कर दिया। जितने मुझे सीड मिले थे मैंने सारे सीड्स को वहाँ पे प्लांट किया और बोन मिल से उन्हें जल्दी से जल्दी ग्रो कर लिया। एंड जितने भी मुझे वहाँ से सीड्स और एक्स्ट्रा मिले उन सारे सीड्स से उनसे अपने चिकन को ब्रीड कराया और बचे हुए आयरन से अपने लिए एक जूता और एक हेलमेट बना लिया। एंड उसके बाद फिर से चला गया मैं आयरन को माइन करने के लिए क्योंकि अभी मुझे बनाना था अपने लिए फुल आयरन का आर्मर और टूल्स। और माइन करते करते नीचे मुझे एक और केव मिली जिसके अंदर भाई करोड़ों मॉब्स थे, ज़ॉम्बी, स्केलेटन, क्रीपर, स्पाइडर, इवन जो एंडरमैन भी वहीं पे था। तभी मॉब्स को मारने के बाद मैं चला गया फिर से माइनिंग पे और इस बार मुझे यहाँ पे मिला डायमंड। पर ये डायमंड मैं भी माइन नहीं करता था क्योंकि वो वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर था जिसके लिए मुझे वर्ल्ड बॉर्डर के बढ़ने का इंतजार करना था।
सरफेस पे आने के बाद जितने मेरे वीट ग्रो हुए थे उन सभी को मैंने हार्वेस्ट किया है, उसके बाद दोबारा उन्हें फिर से रीप्लांट कर दिया। और माइनिंग से जितने मुझे आयरन मिले सारे आयरन को मैंने स्मेल्ट करके अपने लिए दो पिकेक्सेस बना ली, जिससे मैं इजीली डायमंड माइन कर सकता था। नीचे जाकर सबसे पहले मेरे को वहाँ पे जो नीचे लैपिस मिली थी मैंने उसे माइन कर लिया, और जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ओर्स पड़े जैसे गोल्ड मुझे यहाँ पे मिल गए, फिर रेडस्टोन मिल गया एंड थोड़े से और गोल्ड मिल गए, और फिर फाइनली मैंने माइन करना चालू किया अपने डायमंड को। और मैं बस उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे मुझे थोड़े 5 डायमंड मिल गए, बट मुझे यहाँ से मिले टोटल 8 डायमंड, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा एपिक मोमेंट था ये। एंड उसके बाद मैंने अपने माइनिंग ट्रिप को कंटिन्यू रखा, और नीचे जाते हुए मुझे फिर से एक और केव मिली जहाँ पे बहुत सारे मॉब थे, तो मैंने इन सारे मॉब को मारा एंड यहाँ से भी मुझे एक डायमंड और मिल गई। एंड उसके बाद मैंने इस पूरे केव को यहाँ पे लाइट अप किया एंड जितने भी मॉब्स को मार के रिसोर्सेज वहाँ पे मिले थे सारे रिसोर्सेज को मैंने यहाँ से कलेक्ट करी, जिसमें मुझे एक एंडर पर्ल भी मिल गया। थोड़े टाइम बाद जब मैं यहाँ पे लाइट अप कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे और भी थोड़े से डायमंड थे, जिसे देखे मैं बहुत ज्यादा खुश था, पर उसे मैं भी 2-3 दिन के बाद मान कर सकता था। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और एंडरमैन को मारा, जिससे मुझे एक और एंडर पर्ल मिल गया। एंड सरफेस पे आने के बाद मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्ट किया, और जितने भी मेरे वीट थे सारे वीट को मैंने बोन मिल करके हार्वेस्ट कर लिया फिर से एक और बार, एंड उन्हें फिर से रीप्लांट भी कर दिया। एंड बचे हुए सीड से अपने चिकन को भी ब्रीड कराया। फिर उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए बहुत सारे ब्रेड, क्योंकि मैं सड़ा हुआ खाना खा के थक चुका था यार। और अब मुझे बनाना था अपने लिए एक बहुत बड़ा सा मॉब फार्म, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी एक्स क्राफ्ट की, और उसके बाद जितने ही मेरे बेस में पेड़ थे सारे पेड़ को मैंने यहाँ से कट करना चालू किया, क्योंकि अभी मॉब फार्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे वुड की जरूरत पड़ने वाली थी। एंड मॉब फार्म में इतने छोटे से जगह पे नहीं बना सकता था, क्योंकि मेरा बेस ही बहुत छोटा था, तो मैंने यहाँ पे बहुत दिनों तक अपने सरफेस को क्लियर किया और सब जगह पर डर्ट लगाई, और बचे हुए टाइम में मैंने अपने खेतों पर काम किया, जितने भी वीट ग्रो हुए थे उन्हें हार्वेस्ट किया, और अपने खाने पीने के लिए ब्रेड बनाए। और वर्ल्ड बॉर्डर बढ़ने के बाद मैं फिर से चला गया माइन में डायमंड कलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से मैंने बहुत सारे मॉब्स मारे। और फाइनली अपने डायमंड को वहाँ से कलेक्ट किया, और माइनिंग करते करते मुझे फिर से एक और बार बहुत बड़ी सी लस्क मिली जहाँ एंड इस लस्के को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद मैंने इस पूरे लस्के को यहाँ पे हर जगह से टॉर्च लगा के लाइट अप कर दिया। एंड तभी मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी डायमंड थे, तो तुरंत मैंने यहाँ के सारे डायमंड को ऐसे मैंने माइन किया, तो मुझे टोटल यहाँ से मिले 3 डायमंड। एंड उसके बाद पूरे केव से मुझे बहुत सारे यहाँ पे आयरन मिल गए, गोल्ड मिल गया, और बहुत सारी लैपिस लजूली मिल गई। एंड फिर मैंने अपने इस माइनिंग ट्रिप को कंटिन्यू किया, और माइनस वाई लेवल 55 पे पहुंच के मैंने अपनी इस ट्रिप माइनिंग को कंटिन्यू करी, ताकि मुझे यहाँ से और भी ज्यादा डायमंड मिल सके। एंड थोड़े ही टाइम बाद मुझे यहाँ से थोड़े से डायमंड भी मिल गए, पहले वेन में मुझे 2 डायमंड मिले, और दूसरे वेन में मुझे यहाँ से टोटल 4 डायमंड मिल गए। तो इस पूरे माइनिंग ट्रिप से मुझे टोटल यहाँ पे 11 डायमंड मिले, और मैं सरफेस पे चला आया। एंड सरफेस पे आते ही यहाँ पे पूरे जॉम्बी के परिवार ने मेरे पे हमला बोल दिया, तो सबसे पहले मैंने इन सारे जॉम्बीज को यहाँ से मारा, उनके बाद उनके सारे टुकड़ों को कलेक्ट किया। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने पूरे बेस को लाइट अप किया। एंड इसी दौरान मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिली जो मेरे को अभी तक नसीब नहीं हुई थी, वो मिली मुझे यहाँ पे एक शिप। तो जाके मैंने अपने वीट फार्म को हार्वेस्ट किया, और वहाँ से वीट और अपने इस शिप को लाके मैंने अपने छोटे से बांध में कैप्चर कर लिया। एंड उसे तुरंत मैंने शेयर करके उससे मैंने वूल कलेक्ट किया, और लकीली मुझे यहाँ से टोटल एक ही बार में यहाँ पे 3 वूल मिल गए, मतलब मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुरंत मैंने अपने लिए बनाया एक फटाक से बेड, और ये पहली बार होगा जो इस वर्ल्ड में मैं सो पाऊंगा फाइनली। फिर मैंने मॉब फार्म के लकड़ियां जमा करना चालू कर दी, एंड जब मैं पेड़ गया तभी मुझे यहाँ पे एक और शिप मिल गई लकीली, तो इसे भी लाके मैंने बांध में कैप्चर किया, उसे दोनों को ब्रीड मैंने करना चालू कर दिया। एंड फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारी चेस्ट बनाई, एंड उसके बाद मैंने बनाए बहुत सारे हॉपर। तो चलिए फिर शुरू करते अपना एक बहुत बड़ा सा मॉब फार्म बनाना। फाइनली आज अपना मॉब फार्म के रेडी हो चुका था, और एक बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर रहा था जहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे काफी देर यहाँ पे एएफके किया और मॉब्स को मारा, एंड थोड़े टाइम बाद मुझे इनके चेस्ट में से एक आलू मिल गया। देन तुरंत जाके मैंने अपने पुराने वाले फार्म को डिस्ट्रॉय किया, नए फार्म के लिए काम चालू किया। तो मैंने पानी के बगल से सैंड निकाला, और उसके जगह पे मैंने डर्ट प्लेस कर दिया, और उसी पानी के बगल में मैंने अपने खेतीबाड़ी का काम भी चालू कर दिया। एंड आलू को बोन मिल करके मैंने डबल करके उसे तुरंत रीप्लांट भी कर दिया। एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मुझे जैसे नेदर के अंदर क्या पता मुझे नेदर में बहुत सारी चीजें मिल जाए और वर्ल्ड बॉर्डर नेदर में ना हो, तो मेरे माइनिंग के एरिया में एक लावा पूल था जिसमें मैंने पानी डाल के उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लिया, और यहां से मैंने माइन किए बहुत सारे ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारे ऑक्सीजन।
सरफेस पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एरिया को क्लियर करने के लिए यहाँ पे सभी पेड़ों पे आग लगा दी ताकि ये बहुत सी जल्दी आग सब जगह पे स्प्रेड हो जाए और एरिया क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद फिर मैंने बनाया अपने लिए एक नेदर पोर्टल एंड उसे लेट करके मैं चला गया नेदर में। और नेदर में मुझे स्पॉन मिला था एक क्रिम्सन बायोम में। और थोड़ा आगे जाके देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं स्पॉन हुआ हूँ नेदर फोर्ट्रेस के पास में, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, जो कि मेरे लाइफ में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था इस क्रिम्सन फॉरेस्ट को देख के। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने लिए एक हॉगलिन फार्म बनाऊं जहां से मेरे खाने का और लेदर का समस्या दोनों दूर हो जाएगा। देन उसके बाद मैं सरफेस पे आ गया। सरफेस पे आने के बाद मैंने अपने मॉब फार्म से सारे गन पाउडर ले लिया और एंड सारे सैंड को लेके मैंने यहाँ पे सबसे पहले बनाई अपने लिए बहुत सारे TNT और फिर कुछ पिस्टन्स और कुछ लैडर क्राफ्ट करके मैं चला गया नेदर में। नेदर में जाके मैंने इसे प्रेरअप करके एकदम ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद मैंने वाई लेवल 127 को सर्च करना चालू किया। जैसे मिल गया तो वहाँ पे मैंने लैडर लगाया एंड एंड पल थ्रो करके मैं ऊपर की तरफ चला आया। एंड यहाँ पे भी मेरे हार्ट बीट एकदम हाथ में आ गए थे भाई, घोटी मुंह में था मेरे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑब्सीडियन प्लेस किया, यहाँ पे पिस्टन मैंने प्लेस किया और अब मेरे को यहाँ पे बेडरॉक में छेद करना था, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्सीडियन लगा के अगर डोर बनाता हूँ तो वो डायरेक्टली मैं नेदर में नहीं सीधा ऊपर चला जाऊँगा, तो मेरे लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे को यहाँ पे बेडरॉक को तोड़ना पड़ रहा था। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें लगाई, फर्स्ट ट्राई किया मैंने यहाँ पे एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे फेल हो गया। एंड उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट किया, उसमें भी नहीं चला। एंड थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली मेरा यहाँ पे चीज पिस्टन डायरेक्टली अच्छे से कनेक्शन बैठ गया एंड फाइनली यहाँ पे जो बेडरॉक था वो ब्रेक हो चुका था। और कम से कम इस चीज के लिए एक छोटा सा लाइक आप लोग इसमें कर देना यार प्लीज। इमोशनल डैमेज। एंड उसके बाद मैं चला गया सरफेस पे और मेरे पास अभी हॉपर बनाने के लिए मेरे पास आयरन बहुत ही कम थे, तो मैं चला गया फिर से एक और बार माइनिंग में आयरन को कलेक्ट करने के लिए। सारे आयरन को लाके मैंने यहाँ पे फिर स्मेल्टिंग के लिए रख दिया और जब तक आयरन स्मेल्ट हुए तो मैंने अपने फार्म पे काम किया एंड उसे फिर से दोबारा जाके मैंने रीप्लांट किया एंड कुछ देर तक फिर जाके मैंने अपने मॉब्स को मारे और वहाँ से एक्सपी कलेक्ट की एंड फिर फाइनली हॉपर के इतना आयरन मेरा स्मेल्ट हो चुका था। फटाक से मैंने यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट बनाए और सारी चेस्ट से मैंने बनाए बहुत सारे हॉपर और जितने भी अदर सामान यहाँ पे मुझे लगने वाले लैडर वगैरह ये सारी चीजें मैंने यहाँ से ले ली और उसके बाद मैं चला गया। और उसके बाद फिर मैं एक बार चला गया नेदर में अपने हॉगलिन फार्म को बनाने के लिए। तो फार्म बन के पूरी तरह से रेडी हो चुका था, तो बस मुझे यहाँ पे AFK होना था बस आधे घंटे के लिए के और देखना था कि कितने मुझे यहाँ पे पॉक चॉप और लेदर मिलते हैं। A few moments later. After AFK जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पॉक चॉप और बहुत सारे लेदर जमा हो गए थे, तो सारी चीजों को मैंने कलेक्ट किया एंड निकल पड़ा ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में आते मैंने देखा कि वर्ल्ड बॉर्डर काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था, तो मैंने चारों तरफ जाके चीजें चेकआउट की। तब मुझे यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मिली, वो थी शुगर कैन। इसका मतलब यह था कि मैं अपने लिए बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे बुकशेल बना के मैं अपने लिए एक इंचांटिंग टेबल बना सकता था। और उसके बाद मैं चला गया फिर से एक और बार डायमंड माइनिंग करने के लिए, पर इस बार मैं डायमंड को माइन नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस डायमंड को माइन करने के लिए अपने पिकैक्स में फॉर्च्यून 3 लगाना चाहता हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे बहुत दिनों तक माइनिंग की और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे डायमंड भी मिले, पर मैंने उन्हें माइन नहीं किया। ऊपर आके मैंने यहाँ से शुगर केन को हार्वेस्ट किया एंड उसे दोबारा फिर से रीप्लांट कर दिया एंड उसके बाद जितने भी मेरे बेस बचे हुए थे सभी जगह पे मैंने टॉर्चेस प्लेस कर दिए एंड फिर काफ़ी देर मैंने मॉब फार्म पे रह के AFK किया और यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स मारे और अपनी XP बढ़ाई और उसके बाद तभी कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ। मैंने अपने हाथ से ही एक ज़ॉम्बी विलेजर मार दिया जिसके लिए मैं इतने देर से वेट कर रहा था यार। और अगले दिन मैं चला गया नेदर में नेदर फोर्ट्रेस को लूटने के लिए। नेदर फोर्ट्रेस में इंटर करते ही एक ब्लेज ने मेरे पे अटैक कर दिया, तो फिर उस ब्लेज को मैंने मारा पर वहां से मुझे कोई भी ब्लेज रॉड नहीं मिला। एंड थोड़े दूर जाने के बाद नेदर के अंदर मुझे एक चेस्ट मिला जिसके अंदर से मुझे कुछ ऑब्सीडियन और थोड़े से नेदर वॉट मिल गए। और नेदर के इस एक सिचुएशन में ना भाई साहब मेरी गोटी मुंह में थी, ऊपर ब्लेज सामने विदर स्केटन और आगे देख रहा हूं तो एक जंगली सुअर पड़ा भाई साहब।
जैसे तैसे पता नहीं कैसे, लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को बचा लिया भाई, वरना यमराज जी ने तो भाई अपनी भैंस को पार्सल भेज दिया था मेरे पीछे लाने के लिए। और फिर फाइनली ब्लेज कुमार के मुझे एक ब्लेज रॉड मिल गया, एंड थोड़ा आगे जाते ही मुझे यहाँ पे एक नेदर वॉड वाला बगीचा मिल गया, जहाँ से मैंने बहुत सारे नेदर वॉड यहाँ के इनके कलेक्ट कर लिए। और थोड़ा दूर आगे जाने का मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिला, जिसके अंदर से मुझे एक डायमंड, थोड़े से आयरन, थोड़े से नेदर वॉड और मिल गए। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारे मॉब्स मारे, बहुत सारे ब्लेज मारे, और टोटल यहाँ पे मेरे को 3 ब्लेज रॉड लेकर मैं ओवरऑल में चला आया। ओवरऑल में आते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने लिए कुछ गोल्डन एप्पल बना लिए और एक ग्रूविंग स्टैंड बना लिया, एंड जितने भी मेरे पास सैंड थे सभी सैंड को मैंने स्मेल्ट होने के लिए ताकि उससे मैं ग्लास बन जाए। और फिर मैंने एक और गोल्डन एप्पल बना के तो जैसे शुगर कैन लाके मैंने अपने लिए कुछ परमानेंट आय बना लिए। और उसके बाद मैंने बनाने चालू किया वीकनेस ऑफ पोशंस, एंड सारे वीकनेस ऑफ पोशंस मेरे 3 बॉटल यहाँ पे बन के रेडी हो चुके थे। एंड फिर से मैं चला गया अपने मॉब फार्म पे ज़ॉम्बी विलेज का इंतजार करने के लिए। काफी दिन मॉब फार्म पे रहने के बाद मुझे यहाँ से बहुत सारे पावर 2 के बो मिल गए, जिससे मैंने कंबाइन करके एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पावर 4 का बो बना लिया। और फाइनली थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ, फिर तुरंत मैंने इसके लिए एक बोट बनाई और उसे बाहर निकल के जैसे ही मैं बोट पे बैठाने गया, उसी समय पे एक स्केलेटन नीचे ड्रॉप होता है और वो देखो क्या करता है। फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ, पर वो मेरी गलती से मर गया। और इस समय पे इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे को, क्या बताऊँ यार, मतलब देखिए सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में सर। एंड फिर अगले कुछ दिन तक मैंने अपने खेतों पे काम किया, और जितने ही मेरे शुगर केन बड़े हुए थे सारे शुगर केन को मैंने हार्वेस्ट किया, एंड मैंने फिर से रीप्लांट किया। एंड उसके बाद फिर एक बार मैं मॉब फार्म पे चला गया ज़ॉम्बी विलेजर के इंतजार करने के लिए, एंड थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर ने दर्शन दिए। लेकिन इस बार मैंने उसको अच्छे से एकदम फाइन, एकदम अच्छे तरीके से उसको मैंने बाहर बुला के बोट में बैठा दिया, एंड उसे उसके ऊपर एक पोशन ऑफ वीकनेस देख के उसे गोल्डन एप्पल खिला दिया ताकि वो जल्दी क्योर हो जाए। और फिर मैंने अपने सारे शिप को हार्वेस्ट किया, एंड उनसे वूल कलेक्ट की, एंड उन सभी को ब्रीड कराया ताकि इनके तादाद और ज़्यादा बढ़ जाए। एंड उसी के बाद थोड़े टाइम बाद मेरे को आप एक नोटिफिकेशन आया कि मेरा ज़ॉम्बी विलेजर ठीक हो चुका है, तो मैंने इसे तुरंत वहाँ से निकाला और उसे जाके अपने बेस पर ला के रख दिया, और यहाँ पे इसे चौकीदारी की नौकरी दे दी। जितने ही मेरे शुगर केन ग्रो हुए थे उन सारे शुगर केन को मैंने हार्वेस्ट किया और अपने लिए कुछ बुक्स बनाए, और उस बुक से मैंने एक बुक शेल्फ बनाई, और उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए एक इंचांटिंग टेबल, और उसे बस मैंने अपने बेस पे ऐसे ही लगा के देखा, चाह के कैसा दिख रहा है करके। ये फिर अगले कुछ दिन तक मैंने बस यहाँ पे पेड़ों को आग लगा के पेड़ काटे और बेस को थोड़ा सा क्लियर किया, और उसके बाद मैंने बनाया अपने बेस का लेआउट, तो ये देखने में थोड़ा सा काफी अच्छा लग रहा था। और फिर मेरे शुगर केन सारे ग्रो हो गए थे, उसे मैंने हार्वेस्ट किया, और उससे मैंने बनाया बहुत सारे बुक्स, और उस बुक से मैंने बनाया काफी सारे बुक सेल, पर ये बुक सेल अभी पूरे नहीं थे। उसके बाद अगले फिर कुछ दिनों तक मैंने अपने बेस पे ही काम किया, एंड फाइनली थोड़े टाइम बाद मेरा शुगर केन ग्रो हो गया, तो मैंने सारे शुगर केन को यहाँ से हार्वेस्ट किया, एंड उसे मैंने बनाए बहुत सारे बुक शेल्फ, एंड उसके बाद मैंने अपने सारे बुक शेल्फ को लेके अपने बेस के सेंटर में मैंने अपने इस इंचांटिंग टेबल का सेटअप कर दिया। इंचांटिंग टेबल सेटअप होने के बाद सबसे पहले मैंने अपने पिकेक्स को इंचांट किया, जिसके ऊपर मुझे यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 मिली, एंड उसी के साथ में मुझे मिल गया यहाँ पे एफिशिएंसी 4, पर मुझे फॉर्चून 3 चाहिए थी। तो फिर से मैं चला गया अपने मॉब फार्म पे अपने एक्सपी को 30 करने के लिए, तभी वहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ गया, तो उसे भी सक्सेसफुली मैंने बाहर निकाला और बोट पे बिठाया, एंड उसके ऊपर एक पोशन ऑफ वीकनेस मारी और उसे गोल्डन एप्पल खिला के क्योर किया। फिर से मैंने अपने मॉब फार्म पे रह के अपने लेवल को 30 किया, एंड उसके बाद इंचांटेंट किया, तो मेरे को यहाँ पे सिल्क टच मिल रही थी, देख के बहुत बुरा लगा यार मुझे। एंड अगले दिन मेरा विलेजर क्योर हो गया था, तो उसे ले जाके मैंने उसके दोस्त के पास बैठा दिया, और अब मेरे पास अनलिमिटेड मजदूर हो जाएंगे। क्या बोला तूने? सॉरी, मतलब अनलिमिटेड विलेजर हो जाएंगे जो मेरे लिए काम करेंगे। एंड मैं फिर से चला गया मॉब फार्म पे अपने एक्सपी को 30 कर, लेवल को 30 करने के लिए। फिर मैंने अपने टूल्स को इंचांट एंड डिसइंचांट किया फॉर्च्यून 3 के लिए, और लगातार 3 दिनों तक बस मैंने यही किया, अपने टूल्स को इंचांट किया, अपने लेवल को 30 किया, एंड फाइनली थोड़े टाइम के बाद मुझे यहाँ पे फॉर्च्यून 3 मिल ही गई। और अब बस सिर्फ इस टूल को यूज करके देखना था कि ये मुझे कितना डायमंड दे पाता है। तो फिर मैं चला गया माइन में, और ये रहा सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे मुझे पहले वाले में से मिला 8 डायमंड, और दूसरे वाले को माइन करने से टोटल मेरे पास हो गए थे 21 डायमंड, एंड तीसरा वाला था 9 का वेन जिसको मैंने माइन किया, एंड टोटल हुए मेरे पास 36 डायमंड, जिसका मतलब ये था कि मैं अपने सारे टूल्स और आर्मर को मैं डायमंड में कवर कर सकता था। तो ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने सारे पुराने डायमंड को लिए, एंड उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए पूरा फुल्ली कवर्ड डायमंड का आर्मर, बचे हुए डायमंड से मैंने बनाया अपने पूरा का पूरा डायमंड का टूल्स, और अब मैं कवर हो चुका था पूरी तरह से डायमंड आर्मर और टूल्स में।
इस चीज के लिए बस एक लाइक कर दो यार। फिर अगले लगातार 6 दिन तो बस मैंने यही किया, लेवल 30 किया और अपने सारे टूल्स और आर्मर को मैंने यहाँ पे इंचांट किया, जिसमें मैंने हर किसी पे हर एक पे अच्छे से अच्छा इंचांटमेंट लेने की कोशिश की। The next morning. तो काफी लंबे दिनों के मेहनत के बाद फाइनली मेरे सारे टूल्स और आर्मर पे अच्छे से अच्छा इंचांटमेंट यहाँ पे लग चुका था मैंने, और यहाँ पे 3-4 डायमंड और भी यूज यहाँ पे कर लिए थे मैंने टूल्स पे अच्छे से अच्छा इंचांटमेंट लेने के लिए। और इसी भी जो मैंने अपने बहुत सारे बो को भी यहाँ पे इंचांट किया था, जिसमें मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे बोस पे इंचांटमेंट मिल गए, जिसमें इन्फिनिटी था, फ्लेम, हर एक चीज। तो मैंने फिर सारे बो को यहाँ पे इजीली यहाँ पे मर्ज करके उन सारे बोस को मैंने एकदम पावरफुल बो में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं फिर से चला गया एक और बार नेदर में ब्लेज रॉड को कलेक्ट करने के लिए, एंड नेदर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्लेजर्स को मार के बहुत सारे ब्लेज रॉड यहाँ पे मैंने कलेक्ट किए, एंड फाइनली टोटल 6 ब्लेज रॉड लेकर मैं अपने ओवरऑल की तरफ रिटर्न आ गया। एंड ओवरऑल में आते सबसे पहले मैंने अपने एक विलेजर को क्लेरिक की जॉब दी और उससे रोटन फ्लेश शेल करके बहुत सारे एमरल्ड लिए, एंड मैं फिर लग गया उसे अपग्रेड करने में ताकि ये जल्द से जल्द मुझे एंडबल की ट्रेड को अनलॉक कर दे। एंड फाइनली थोड़े टाइम बाद ही इसने एंडबल की ट्रेड भी अनलॉक करी, जो कि मुझे वो $1 में दे रहा था, पर फिर पता ही फिलहाल। फिर मैंने अपने दूसरे विलेजर को फ्लेशर बनाया और उसे बहुत सारे स्टिक्स ट्रेड की और उसे बहुत सारे एमरल्ड लिए, और उसके बाद मैंने अपने ट्रेडर से यहाँ पे ट्रेड कर लिया एंडबल्स को, एंड फिर सारे एंडबल को मैंने कन्वर्ट कर दिया आई ऑफ एंडर में। फिर मैंने यहाँ पे काफी सारे बेट्स बना लिए, क्योंकि मैं एंडर ड्रैगन को हमेशा इजीएस्ट वे में मारना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे बेड बना लिए। एंड अपना पहला आई ऑफ एंडर थ्रो करके मैं निकल गया अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। एंड थोड़े दूर जाते ही मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड का पोजीशन भी मिल गया, तो डिग डाउन करके मैं थोड़ा नीचे जाने लगा। एंड नीचे जाते ही थोड़े टाइम बाद मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड की ठीक पोजीशन में पहुंच गया, बस मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला रूम ढूंढना था। एंड थोड़े तलाश करने मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला पोजीशन मिल गया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ के स्पॉनर को तोड़ा। एंड यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे एक भी आई ऑफ एंडर लगा हुआ नहीं था। लकीली मैंने यहाँ पे अपने लिए 4 आई ऑफ एंडर एक्स्ट्रा लेकर आया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने पूरा आई ऑफ एंडर को यहाँ पे लगाया, एंड जितने भी बचे हुए मेरे पास एंडर पल थे उन सभी से मैंने आई ऑफ एंडर बना लिए। फिर बचे हुए मैंने और 4 आई ऑफ एंडर यहाँ पे बनाए और उसे लगा के मैंने पोर्टल को लीड कर दिया। तो चलिए आप चलते हैं एंड सिटी में और डिफीट करके आते हैं ड्रैगन को। एंड में जाने के बाद सबसे पहले मैंने जितने भी यहाँ पे क्रिस्टल सारे क्रिस्टल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया मैंने बहुत ही इजी तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पे एक मैंने ऑब्सीडियन प्लेस की, एंड काफी इजीएस्ट वे में मैंने ड्रैगन को डिफीट किया। और सच बता रहा हूँ गाइस, ये जो साउंड है ना, ये साउंड सुनने में ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि आप किसी को डिफीट कर चुके होते हो यार। उसके बाद मैंने ड्रैगन के सारे एक्सपी को कलेक्ट किया, एंड उसके बाद जो अंडा था उसे भी कलेक्ट करके मैं आ गया ओवरऑल में। ओवरऑल में आते ही मैंने सारे सामान को एक चेस्ट में फिर से रख दिया, एंड उसके बाद फिर से निकल गया मैं एंड में इलेक्ट्रो लाने के लिए। पल फेक का सबसे पहले मैं एंड सिटी में आ गया, पर यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे यहाँ पे ढूंढनी थी एक एंड सिटी और उसके साथ में होना चाहिए एक शिपरैक भी, तो उसके लिए मैं लग गया यहाँ पे। तो काफ़ी दिनों की मेहनत मशक्कत करने के बाद मुझे यहाँ पे फाइनली एक एंड सिटी मिल गई, जिसके अंदर एक एंड शिप भी था। तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैंने कुछ थूकते हुए प्राणियों को मारा, हाँ जिसे सल्कर्स कहते हैं, तो मैंने इनको मारा था कि मुझे सल्कर सेल्स मिल सके। एंड उसके बाद मैंने आके बहुत सारे ट्रेजर रूम में से जाके यहाँ पे चेस्ट को लूटे, जिसके अंदर ठीक ठाक से मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे लूट्स यहाँ पे मिले, जिसमें गोल्ड था, आयरन और बहुत सारे डायमंड के टूल्स थे। तो एंड सिटी को लूटने का मैं चला गया एंड शिप में, वहाँ पे मैंने एक सल्कर को मारा और वहाँ से इलेक्ट्रा को कवर किया। एंड उसके बाद उसके सारे चेस्ट को लूटने का मैं चला गया एंडर ड्रैगन के हेड को लेने पर, अनफॉर्चुनेटली हेड तो चला गया नीचे। और फिर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रा पहन के उड़ान भरी घर पे निकलने के लिए, लेकिन एक सरप्राइज मेरा यहाँ पे वेट कर रहा था। जैसे ही थोड़ा सा मैं आगे गया तो मुझे यहाँ पे दिखा एक और एनसीटी, और कमाल की बात तो ये थी कि इस एनसीटी में एक और शिपरैक भी था, मतलब अब मेरे पास दो इलेक्ट्रा हो सकते थे। तो फिर से वही अंदर जाके मैंने बहुत सारे शल्कर्स मारे और उनके चेस्ट रूम से चेस्ट को लूटा, एंड बहुत सारे उनके जितने भी लूट थे सारे लूट को वहाँ से मैंने कवर किया। एंड एंड शिप में जाके वहाँ से उनके मेन चेस्ट को और वहाँ से इलेक्ट्रा को कवर किया, और फिर से जाके मैंने एंडर ड्रैगन के हेड को लेने की ट्राई की, पर वो भी चला गया था अनफॉर्चुनेटली नीचे। और उसके बाद मैं एक अच्छी सी उड़ान भर के वहाँ से मैं निकल गया घर पे आने के लिए। बेस पे आते सबसे पहले मैंने बहुत सारे गन पाउडर ले लिए, और यहाँ मेरे बेस के आयु और जितने भी शुगर केन थे सारे शुगर केन को मैंने हार्वेस्ट किया, और उससे मैंने बनाए अपने लिए बहुत सारे रॉकेट्स। तो अब अपने यहाँ पे 2 चैलेंज कम्प्लीट हो गया था, तो अब मुझे बनाना था सिर्फ अपने लिए एक बहुत बड़ा प्यारा सा घर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बहुत बड़ा आलीशान सा घर बनाना।
तो फाइनली गाइस अपना घर बन के रेडी हो गया था। इसके साथ में मैंने अपने घर के लिए एक फाउंटेन और अपने विलेजर्स के रहने के लिए एक छोटा सा उनके लिए घर भी बना दिया था। तो आपको ये घर और ये बेस बिल्ड कैसा लग रहा है, प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वाला इमोजी जरूर इसमें कमेंट में स्पैम करिएगा। और अब बारी थी अपने को अपने लिए एक बीकन बनाने की। इसके लिए मुझे चाहिए तो 3 वेदर स्कल। तो फिर मैं निकल गया नेदर में वेदर स्कल को कलेक्ट करने के लिए। तो मेरा पहला वेदर स्कल मुझे काफी जल्दी मिल गया एंड दूसरा तीसरा भी काफी जल्दी मुझे मिल जाते हैं। तो तीसरा वेदर स्कल भी मेरे को बहुत ही आसानी से मिल गया। तो तीनों वेदर स्कल कनेक्ट करने के बाद मैं चला आता हूँ ओवरवर्ल्ड में और वहां से चला जाता हूँ एंड में, क्योंकि मैं वेदर को भी भाई बहुत ही इजी तरीके से मारने वाला था। पोर्टल के नीचे मैंने वेदर को समन किया एंड काफी इजी तरीके से मैंने विदर को वहां पे डिफीट कर दिया। फाइनली अपना वीदर भी यहाँ पे डिफीट हो चुका है, मतलब दो दो बॉस को मैंने यहाँ पे मार दिया है क्योंकि बहुत ही बहादुर तरीके से मैंने मारा उनको। तो ओवरऑल में आते ही जितने भी पर डायमंड थे सभी डायमंड्स के मैं यहाँ पे ब्लॉक्स में उसको कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था एक मिक्स बीकन। तो मेरे पास जितने भी एमरल थे उनके भी मैंने ब्लॉक्स बना लिया और आयरन के भी मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बना लिए और एक टेम्पररी मैंने बीकन यहाँ पे बनाया और उसे सेटअप कर दिया पूरी तरह से। और इस स्टेज पे मैंने अपने सारे चैलेंज को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, डायमंड आर्मर बना दिया, घर बना दिया, ड्रैगन डिफीट कर दिया और बीकन भी बना दिए। तो अब मुझे सिर्फ बनाना था अपने लिए एक नेदर पोर्टल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक नेदर पोर्टल बनाना। That's it for this video guys। अगर आपने वीडियो enjoy किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी और क्या कमी है उसको भी प्लीज बताना, उसे मैं ठीक से रेक्टिफाई करूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड हैप्पी गेमिंग गाइज। बाय बाय।